नमस्कार दोस्तों, दिन भर के सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि देश का नेतृत्व यहाँ पर राहुल गांधी को करना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #VSupportRahulGandhi जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, चौंकाने वाली खबर आ रही है। एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, एनडी जो गठबंधन है बीजेपी के नेतृत्व में, उसमें हड़कंप मचा हुआ है। आज यहां पर एनडी गठबंधन की यहां पर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी सहित यहां पर तमाम नेता शामिल हुए, तमाम दलों के। और उसी बैठक में बताते चले कि एनडीए की बैठक में सब यहां पर मेज थपथपा रहे थे, मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, नितिन गडकरी शांत बैठे रहे। ना ही उन्होंने यहां पर मेज थपथपाई और ना ही मोदी मोदी के नारे लगाए। दोस्तों इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वही एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने गुजरात लॉबी के आगे सरेंडर नहीं किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सभी सांसद यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, लेकिन वही नितिन गडकरी शांत बैठे रहे। कोई भी यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। इतना ही नहीं, मोदी जी के चुनाव पर गडकरी, हेमंत बिस्व शर्मा, एनडीए के घटक दल टीडीपी तथा जेडीयू नाखुश यहां पर नजर आए हैं वीडियो में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की राय भी सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जयंत चौधरी को साइडलाइन कर दिया गया है एनडीए के अंदर। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडी गठबंधन के अंदर जयंत चौधरी साइडलाइन हो चुके हैं। एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी को मंच पर नहीं मिली है जगह। सपा कांग्रेस ने उठाए सवाल, एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी को नहीं मिला मंच। आज एनडीए की बैठक में एक एक सांसद वाले नेता तो मंच पर बैठे थे, परंतु जयंत को दो लोकसभा और एक खुद राज्यसभा सांसद होते हुए भी कोई स्थान नहीं मिला मंच पर। जिस प्रकार जयंत भाजपा के पक्ष में वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए हैं, जानबूझ करके मुजफ्फरनगर से मंत्री रहे नेता को हरवाया, उसे देखते हुए भाजपा नेतृत्व विशेषकर यूपी के जाट नेता जयंत से बहुत ही नाराज हैं और उसे मंत्री बनाने का भारी विरोध भी कर रहे हैं। आज जयंत के साथ में सेंट्रल हॉल में जो बर्ताव हुआ, उसे लगता है कि जयंत को शायद ही मंत्री यहां पर बनाया जाए। इतना ही नहीं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जगह नहीं मिली है। मोदी जी के यहां जो जाएगा उसके साथ यही होगा, पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और हार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में अपमानित किया जाता है इस पार्टी में। वहीं सपा ने सवाल पूछा कि एक सांसद वाली पार्टी की अनुप्रिया पटेल को मंच पर जगह मिल गई, लेकिन दो सांसद वाले आरएलडी के नेता को जगह नहीं मिली है। ये यहां पर देख सकते हैं कि एनडीए के अंदर भी बवाल देखने को मिल रहा है लगातार। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। पहले यहाँ पर वो किसी भी क्षेत्रीय दल का यहाँ पर साथ देगी, उसके साथ में जाएगी और बाद में उसी पार्टी को खत्म कर देती है। आपने कई राज्यों के अंदर ऐसा होते हुए भी देखा है। और अब यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बीजेपी के निशाने पर अब अगली पार्टी आ जाएगी जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर जेडीयू ही निशाने पर आ जाएगी भाजपा के। बीजेपी के इतिहास को तो सब जानते ही हैं, बाबू आगे चुनाव लड़ने के लिए आपके पास सांसद और विधायक भी नहीं बचेंगे, सबके सब बीजेपी तोड़ लेगी। ये यहां पर सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। बीजेपी अभी आपको तो साथ लेकर के चल रही है, लेकिन जैसे ही उसकी सरकार बनेगी, सत्ता हाथ में आएगी, वो सभी यहां पर सांसद और विधायक तोड़ लेगी और पार्टी को खत्म कर देगी। ऐसा उसने कई राज्यों के अंदर किया भी है। महाराष्ट्र में भाजपा की चुनौती शिवसेना बनी, तो शिवसेना के दो फाड़ करवा दिए भाजपा ने ही। महाराष्ट्र के अंदर ही एनसीपी बीजेपी की चुनौती बनी, तो एनसीपी के दो फाड़ करवा दिए भाजपा ने ही। और अब यहां पर लोगों का कहना है कि जेडीयू भी निशाने पर आ जाएगी, इसलिए नीतीश बाबू अभी भी वक्त है, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाइए और लोकतंत्र बचाइए। लोगों ने ये यहां पर अपनी राय रखी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही अपनी महत्वपूर्ण राय बता सकते हैं। इसके साथ ही संजय राउत बोले, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं,
कभी आपके तो कभी हमारे बड़ा इशारा कर दिया है संजय राउत ने कि चंद्रबाबू नायडू और यहां पर नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही नेता सभी के हैं। संजय राउत ने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, आज आपके हैं तो कल हमारे होंगे। मोदी सरकार जो भी फैसला लेना चाहती है उसका आम लोगों ने विरोध किया है। पीएम मोदी कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू तो मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में है, ऐसे में क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के शासनकाल में ईडी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। ईडी और सीबीआई बीजेपी की यहां पर पूरी तरह से मदद ही करती हुई नजर आई है। ये संजय राउत जबरदस्त तरीके से भड़के हैं दोस्तों भाजपा पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है, जहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, शिंदे गुट के 6 विधायक पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लगेगा बेहद ही बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक और कई सांसद। शिंदे गुट की मुश्किलें अब बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया है उसको देख करके लग रहा है कि एनडीए गठबंधन की यहां पर छुट्टी करने जा रही है महाराष्ट्र की जनता विधानसभा के चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बताते चले। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, राष्ट्रपति को सौंपी है सांसदों की लिस्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन फिर एक बार केंद्र में सरकार बनाने की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। इस बीच प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के पास में 293 सांसद हैं, 543 सदस्य लोकसभा में से। ये यहां पर खबर है, इंडिया गठबंधन कुछ ही यहां पर सीटों से सत्ता में आने से रह गया, वरना इस बार तो एनडीए गठबंधन की छुट्टी होना तय थी। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव विधायक के तौर पर देंगे इस्तीफा। सपा के नेताओं ने शुरू कर दी है उपचुनाव की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, यूपी लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने 37 सीटें हासिल की हैं। इस शानदार जीत के बाद सपा खेमे में खुशी का माहौल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और अब उन्हें सिर्फ एक सीट का करना होगा। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव करहल छोड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में अखिलेश यादव ने अभी तक खुद कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इसके बावजूद चर्चा है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है करहल के अंदर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।